हेलो किड्स, वेलकम टू ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड अबाउट स्क्रैच, लेसन नंबर 2 एंड पेज नंबर 12। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज स्क्रैच? स्क्रैच इज फ्री ब्लॉक बेस्ड विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इट इज़ एन एजुकेशनल टूल फॉर कोडिंग। स्क्रैच एक फ्री ब्लॉक बेस्ड विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें आप क्या करते हो, कुछ स्टोरीज, कुछ ऐसी एनिमेशंस क्रिएट करते हो जिसमें आप स्टोरीज बनाते हो, कोई गेम वगैरह डिज़ाइन करते हो, कोई एनिमेटेड मूवी बनाते हो, जैसे कार्टून्स हो गए, ठीक है, इस तरह से डिज़ाइन करते हो। तो उसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, जिसके द्वारा आप क्या बनाते हो, ये वीडियो गेम्स वगैरह, ये सब चीज़ें बनाते हो। ठीक है, ये एजुकेशनल टूल है, ये स्पेशली क्या है, बच्चों के लिए ही डिज़ाइन की गई है, ताकि बच्चे भी क्या है कि कोडिंग को सीख सकें किसी, क्योंकि आजकल जो लैंग्वेजेस हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं। ठीक है, तो एक लैंग्वेजेस को सीखने के लिए एक एजुकेशनल लैंग्वेज बनाएगी बच्चों के लिए, ताकि एक बच्चा भी क्या है, एक वीडियो गेम्स, कोई कार्टून्स, कोई क्या है, इस तरह से वो क्रिएट कर सके। ठीक है, बच्चों को भी पता चल सके कि कोडिंग क्या चीज़ होती है और किस तरह से एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जाते हैं, किस तरह से ये कोडिंग्स अप्लाई की जाती हैं। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल वे है किसी कोडिंग को, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो इस लैंग्वेज में क्या है कि विजुअल, मतलब कि ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें ब्लॉक्स आपने छोटे होते आपने खेली हो, एक ब्लॉक होते हैं, जैसे ना ब्लॉक को अरेंज करना, बहुत सारे ब्लॉक्स बने होते हैं, उन ब्लॉक्स को इकट्ठा करके कोई इमेज बनानी। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, ब्लॉक बेस्ड। इट इज़ एन एजुकेशनल फॉर कोडिंग, ये क्या, एक एजुकेशन कोडिंग के लिए। इट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम इंटरनेट, वो इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो एंड इंस्टॉल ऑन कंप्यूटर, वेबसाइट ऑल्सो। ठीक है, और ये वेबसाइट पे ज़रूरी नहीं है कि आप इसको डाउनलोड ही करेंगे तो तभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप इसको ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं इनकी वेबसाइट को विजिट करके। जो इनकी वेबसाइट है वो है www.scratch.mit.hu, जहाँ पे क्या यूज़र अपने प्रोजेक्ट्स को क्रिएट कर सकता है ऑन द वेब यूजिंग ब्लॉक लाइक इंटरफेस। देखिए, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इवेंट ड्राइवन लैंग्वेज। इवेंट का मतलब होता है एक्शन, क्योंकि इसमें जब भी हम कोई मूवीज वगैरह कोई गेम बनाते हैं तो ऑब्वियस है इसमें क्या है, एक्शन डिस्प्ले होते हैं। ठीक है, इस्तेमाल करके हम कोई भी वीडियो गेम या इस तरह से चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज भी बोलते हैं। और इसमें इट यूजेस ड्रैग एंड ड्रॉप टेक्निक भी यूज करता है टू फॉलो द कोड, क्योंकि इसमें क्या है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं उसमें क्या है कि हमें कोडिंग्स लिखनी पड़ती हैं, लेकिन ये एक एजुकेशनल टूल है। ऐसा मतलब कोडिंग का एक कह लो कि एक बिगनिंग है कोडिंग की बच्चों के लिए, ताकि उनको कोडिंग का इंटरफेस समझ में आए कि किस तरह से एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें कैसे डिज़ाइन की जाती हैं। तो यहाँ जो इस लैंग्वेज में जो कोडिंग्स है ना, वो बनी बनाई हैं, जस्ट क्या है, आपने उसको ड्रैग करनी है, उठानी है और ड्रैग करनी है एंड देन उसको ड्रॉप कर देनी है। ठीक है, जस्ट आपने उसको पिक करना है और उसको अप्लाई कर देना है, इसमें आपको कुछ भी लिखने की खुद से ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें आपको क्या है, बनी बनाई कोडिंग्स आती हैं, जैसे मूवमेंट्स की कोडिंग आ गई, हंसने की कोडिंग्स आ गई, जैसे मैंने आपको बोला कि इवेंट ड्राइवन लैंग्वेज है, कि आपने अगर आपने कोई एनिमेटेड मूवी बनानी है, कोई कार्टून बना रहे हो, तो जैसे वो भाग रहा है, हंस रहा है, रो रहा है, ठीक है, तो ये सब क्या है, एक एक्शंस है, एनिमेशंस हैं, तो इन एनिमेशंस के पीछे साउंड इफेक्ट्स देने, ये सब क्या है, एक इवेंट ड्राइवन लैंग्वेज की तरह ही होती हैं। ठीक है, इट इज़ डेवलप्ड बाय यूएस बेस्ड रिसर्च लैबोरेटरी MIT मीडिया लैब। ठीक है, यूएस में एक रिसर्च लैबोरेटरी है, जो क्या है, इस तरह से क्या है, कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते हैं, नए नए सॉफ्टवेयर डिज़ाइंस करते हैं, MIT मीडिया लैब है वो, जो इन 2007 में इन्होंने ये स्क्रैच सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया, ये मतलब स्क्रैच लैंग्वेज को डिज़ाइन किया।
देखिए, इट इज़ यूज टू क्रिएट योर ओन इंटरैक्टिव स्टोरीज। आप इसको यूज़ करके क्या है, अपने खुद की स्टोरीज, मतलब कि इंटरैक्टिव अच्छे से स्टोरीज, एनिमेटेड स्टोरीज भी क्रिएट कर सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं, कोई भी एनिमेशन। एनिमेशन का क्या मतलब होता है, मूवमेंट इन द पिक्चर। सो लेट्स रीड। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखिए, आपके सामने एक पिक्चर है, यहाँ पे क्या है, मिकी माउस है ना। तो व्हाट डज द अबव इमेज शो, कि इस इमेज में क्या शो हो रहा है, ठीक है, वो आपने बताना है। कि यहाँ पे क्या है कि दोनों फ्रेंड्स हैं, और ये क्या है कि क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोई गेम वगैरह खेल रहे हैं, व्हाटएवर, ठीक है, जो ये आपने खुद देखना है। इट इज़ ए कार्टून ऑफ मिकी एंड मिनी, ठीक है, ये कार्टून है एक मिकी और मिनी का, ठीक है। वी ऑल लव वॉचिंग सच एनिमेटेड कार्टून मूवीज ऑन टेलीविजन, हम सबको पसंद है कार्टून देखना। बट हैव यू एवर थॉट क्रिएटिंग एनिमेशन बाय योरसेल्फ, कि कभी आपने सोचा है कि इस तरह से कार्टून जिस तरह से ये दिखाई देते हैं टेलीविजन पे, हम भी कभी क्रिएट करें, तो डू यू थिंक इट विल बी फन, आपको नहीं लगता कि इसमें बहुत मज़ा आएगा। डू यू नो एनिमेशन इज अ वे ऑफ मेकिंग अ मूवी, एनिमेशन क्या है, एक तरीका है एक मूवी बनाने का, बाई यूजिंग अ सीरीज ऑफ ड्राॅइंग, जिसमें आप ड्राॅइंग्स बनाते हो, फोटोग्राफ्स वगैरह बनाते हो ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, जो क्या है एक दूसरे से कुछ अलग होती हैं, दैट वेन व्यूड क्विकली वन आफ्टर अनदर क्रिएट्स द अपीयरेंस ऑफ मूवमेंट, जैसे जैसे क्या है आप उसको वन बाय वन देखते जाते हो, तो वो क्या ऐसा लगता है जैसे कि उसमें कोई मूवमेंट हो रही है ना, तो वो क्या होती है, एनिमेशंस। वी कैन एनिमेट आर ओन फेवरेट कैरेक्टर्स बाय यूजिंग सम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है, वी कैन एनिमेट आर फेवरेट कैरेक्टर्स। देखिए इसमें क्या है, हम कोई कैरेक्टर्स, ठीक है, कुछ बने बनाए कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स मतलब जैसे अगर आपने कोई एनिमेशन लेनी है तो आपने किसके ऊपर बनानी है, जैसे इसमें कैरेक्टर कौन है, जैसे एक कार्टून, जैसे कि अभी हमने पढ़ा पहले इसमें मिकी एंड मिनी है, ठीक है, मिकी और मिनी क्या है, एक कैरेक्टर है, ठीक है, इस कैरेक्टर को यूज़ करके उसमें एनिमेशन देख के हमने एक कार्टून बनाया, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एनिमेटेड कैरेक्टर्स, इनको हम कैरेक्टर्स कहते हैं। और स्क्रैच में, इस सॉफ्टवेयर में कैरेक्टर को स्प्राइट बोला जाता है। तो वी कैन एनिमेट, हम खुद का एक फेवरेट कैरेक्टर क्रिएट कर सकते हैं इस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके। कैन यू रिकॉल नेम ऑफ एनी सच एनिमेशन सॉफ्टवेयर, क्या आप किसी एनिमेशन सॉफ्टवेयर का नाम बता सकते हो, वो बेटा आपने यहाँ लिखना है। लेट अस डिस्कस इन डिटेल, चलिए अब हम डिटेल में पढ़ते हैं अबाउट वन सच सॉफ्टवेयर कॉल्ड स्क्रैच। स्क्रैच के बारे में पढ़ते हैं। स्क्रैच सॉफ्टवेयर वॉज डिज़ाइन फॉर फन, जो क्या फन के लिए डिज़ाइन किया गया है, एंड इट इज़ एंड एजुकेशनल सॉफ्टवेयर एंड ईजी टू यूज़ एंड लर्न। इट ऑफर्स टूल्स, इसमें बहुत सारे ऑफर्स हैं, मतलब ऑफर करता है ये टूल्स आपको फॉर क्रिएटिंग इंटरैक्टिव स्टोरीज बनाने के लिए, गेम्स, एनिमेशन एंड मच मोर यूजिंग ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग। मतलब इसमें क्या है, छोटे छोटे टुकड़े है, इसमें जो पिक्चर्स हुई हैं आप उनको कंबाइन करते हो, कंबाइन करके एक कैरेक्टर डेवलप करते हो, फिर उसका कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करते हो, फिर उसमें साउंड इफेक्ट देते हो, फिर एनिमेशन देते हो, देन आपकी क्या है, एक एनिमेटेड मूवी कंप्लीट हो जाती है। दिस सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड बाई MIT मीडिया लैब एंड कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम, ये आपके सामने बेटा ये दे रखी है, देखिए ये है वेबसाइट का नेम, जिसमें क्या आप विजिट करके आपके यहाँ पर भी अपने खुद का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको ब्लॉक बेस्ड इंटरफेस दिया हुआ है, यहाँ पर भी आप क्या है अपनी एनिमेटेड मूवीज क्रिएट ऑनलाइन कर सकते हैं और किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। डू यू नो, we don't need to know any particular computer programming language for block based programming, क्या आपको पता है कि इसमें किसी भी और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पता होना ज़रूरी नहीं है कि इसको किस तरह से यूज़ किया जाए, क्योंकि ये विजुअल है। विजुअल मतलब कि सामने ही आपके सामने कोडिंग्स पड़ी हैं, आपने जस्ट उनको यूज़ करना है, अप्लाई करना है, इसमें आपको खुद से कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। As we only have to place the blocks, क्या है आपको सिर्फ blocks को place करना है in the right order, similar to Lego building blocks की तरह। Animation, games and stories created in Scratch can be shared online on its website, ये website दे रखी है, ठीक है। आप इस website पे विजिट जब करोगे तो आप देखोगे वहाँ पे और भी अपलोडेड प्रोजेक्ट्स होंगे, कई बच्चों की बनाई हुई, लोगों की बनाई हुई अपलोडेड प्रोजेक्ट्स होंगे, आप उनको भी देख सकते हो। आप देखोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि बच्चे किस तरह से प्रोजेक्ट्स को बनाते हैं। तो लेट अस बिगिन,
Let us begin a journey of learning and creating projects in Scratch by learning about its various components. Components का मतलब क्या है, इसके parts, ठीक है, कि Scratch की जो screen है उसमें कौन कौन से basic parts होते हैं उसके पहले हम वो पढ़ेंगे. On opening Scratch, खोलने से जब हम Scratch को open करते हैं we get the following screen. देखिए इस तरह से screen आपके सामने आती है, ठीक है. देखिए इस तरफ क्या होते हैं आपके, ये देखिए इस तरफ तो होंगे आपके टूल्स, ठीक है, मतलब टूल्स नहीं सॉरी, ये इस साइड आपके कोडिंग है, जो ब्लॉक कोडिंग जिसके बारे में मैंने आपको बात की, जस्ट आप उसको यूज़ करते हो, ड्रैग करते हो और ड्रॉप कर देते हो. इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप टेक्निक यूज़ होती है. जस्ट क्या है, यहाँ पे सभी आपको कोड्स मिलेंगे, हंसने के, रोने के, ठीक है, साउंड इफेक्ट्स, एनिमेटेड मूवमेंट्स हो गई, ठीक है, उसकी रोटेशन की होगी, मतलब हर एक तरह की क्या है, आपको यहाँ पे एक ब्लॉक पैलेट मिलता है. आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे जितनी भी कोडिंग्स दी हैं आप यहाँ से उठाओगे, देन ये है आपका कोडिंग एरिया जहाँ पे आप कोडिंग को प्लेस करते हो, ठीक है. ये क्या है, कोडिंग एरिया. देन यहाँ पे ये क्या है, स्टेज. ये क्या है, स्टेज, ये होता है स्प्राइट कैरेक्टर, ठीक है. देखिए ये ऊपर सबसे ऊपर क्या है, टाइटल बार, आपकी फाइल का नेम जो भी है यहाँ पे वो शो होगा. ये स्प्राइट का टूल बार होगा यहाँ पे, ये स्प्राइट की लिस्ट होगी कि कौन कौन सी सबने स्प्राइट्स बनाई हैं. फाइल टूल बार, यहाँ पे मेन्यूज हैं, ये ब्लॉक पेन है, यहाँ पे ब्लॉक्स हैं ये सारे. देखिए ये इस तरह से क्या है, ये स्क्रिप्ट एरिया जहाँ पे आप क्या बनाते हो, कोडिंग प्लेस करते हो, सॉरी. देखिए हैंड ऑन स्क्रैच में कुछ इनबिल्ट प्रोजेक्ट्स भी हैं. अगर आप उनको ओपन करना चाहते हो तो कैसे ओपन करेंगे, फाइल में जाएंगे, जो टूल बार ऑप्शन है, टूल बार है जो आपका, उसमें ये टूल, उसमें ये मेन्यू दे रखे हैं, मेन्यू बार, फाइल मेन्यू में जाएंगे, देन ओपन एंड ऑप्शन, ठीक है. क्लिक द एग्जाम्पल टैब फ्रॉम द लेफ्ट पेन. लेफ्ट पेन में क्या होगा, लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड में एक पेन खुल जाएगा, ठीक है. तो वहाँ पे क्या है, आप कोई भी डिजायर कैटेगरी का प्रोजेक्ट आप ओपन कर सकते हो. देखिए ब्लॉक्स पेन, ब्लॉक पेन का क्या मतलब है कि वहाँ पे ये देखिए, इसको हम कहते हैं ब्लॉक्स. ये आपने गेम्स खेली होंगी कि छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं जिनको आप कंबाइन करके एक पिक्चर डिजाइन. यू मस्ट हैव प्लेड जिगजॉग पजल्स वेयर इरेगुलर कट पीसेस ऑफ वेरियस शेप्स हैव टू बी फिटेड टुगेदर टू फॉर्म अ पिक्चर और अ डिजाइन. आई होप कि ये तो समझ आया होगा आपको. सिमिलरली इन स्क्रैच ब्लॉक्स होते हैं दैट कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर. बिल्कुल वैसे ही अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, हर एक ब्लॉक की अलग अलग कोडिंग होती है, हर एक ब्लॉक में अलग अलग कोडिंग होती है, ठीक है. जैसे ये देखिए यहाँ पे 8 ब्लॉक्स दिए हुए हैं. फर्स्ट ब्लॉक में मोशन है, इसका कलर अलग होगा, जैसे किसी का कलर येलो होगा, किसी का पर्पल होगा, किसी का रेड होगा, किसी का पिंक होगा, किसी का ग्रीन होगा, इस तरह से क्या अलग अलग, ये 8 ब्लॉक्स हैं, अलग अलग ब्लॉक्स में अलग अलग क्या है, इवेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है. मोशन में क्या मोशन होंगे कि उसे कितने स्टेप फॉरवर्ड आगे जाना है, कितना उसको बैक जाना है, कितना उसको लेफ्ट टर्न लेना है, कितना राइट टर्न लेना है, ठीक है. ऐसी लुक उसकी कैसी होनी चाहिए, सेंसिंग, साउंड इफेक्ट्स, ऑपरेटर वगैरह, ये सब क्या है, ये सब कोडिंग है, ठीक है. ये ब्लॉक्स दे रखे हैं, ये कोडिंग्स है, ठीक है. हम इन कोडिंग्स को जब इकट्ठा करेंगे ना तो एक मूवी डिजाइन होगी, एक एनिमेशन क्रिएट होगी. कोड मींस गिविंग इंस्ट्रक्शन टू राइट अ प्रोग्राम. ऑल दीज ब्लॉक्स फर्दर कंटेन डिफरेंट पजल पीसेस लाइक शेप्स इन द ब्लॉक्स पैलेट दैट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट कोड इन स्क्रैच. देखिए हैंड्स ऑन क्लिक ऑन हर एक ब्लॉक पे आप क्लिक कीजिए जो ब्लॉक पेन में दिया है, और देखिए कि अलग अलग शेप के ब्लॉक्स आपको दिखाई देंगे. देन स्क्रिप्ट एरिया, स्क्रिप्ट एरिया क्या था, जहाँ पे आप अपनी कोडिंग को प्लेस करते हो, जहाँ पे क्या है आप अपनी कोडिंग डिजाइन करते हो, कि आपने आप पहले मेंटली सोचते हो, ठीक है. मेंटली आपको प्रिपेयर होना होता है कि आपने क्या बनाना है और उसमें कौन कौन सी कोडिंग लगानी है, ताकि आप ब्लॉक आप उसी के हिसाब से चूज कर सको. तो स्क्रिप्ट होता है जैसे आपका ड्राइंग एरिया होता है जहाँ पे आप ड्राइंग बनाते हो, वैसे ही इसमें स्क्रैच में स्क्रिप्ट एरिया होता है जिसमें आके आप अपनी कोडिंग को प्लेस करते हो, मतलब ब्लॉक्स को प्लेस करते हो, ताकि सभी ब्लॉक्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या है, एक मूवी डिजाइन करते हैं, एक एनिमेशन डिजाइन करते हैं. देखिए कैसे
इन ऑर्डर टू क्रिएट अ एनिमेटेड मूवी, अगर आपने कोई एनिमेटेड मूवी जैसे क्रिएट करनी है, वी हैव टू फर्स्ट डिसाइड, पहले हमें डिसाइड करना होगा कि हमें बनाना क्या है, एंड राइट द स्क्रिप्ट. वी राइट द स्क्रिप्ट इन द स्क्रिप्ट एरिया में लिखते हैं. इट इज़ एन एरिया वेयर ब्लॉक्स फ्रॉम ब्लॉक पैलेट, जो ब्लॉक पैलेट है, ब्लॉक जहाँ पे जितनी सारी कोडिंग्स हैं वहाँ से हम ब्लॉक्स को उठाते हैं. आर प्लेस टू राइट अ स्क्रिप्ट. Do you know a script is a collection of blocks that are interlocked with one another for creating animation stories and games. एक स्क्रिप्ट क्या है? कलेक्शन है ब्लॉक्स का, जिसमें क्या है, आप क्या करते हो कि एनिमेशन क्रिएट करते हो एक दूसरे के साथ उसको लिंक करके, तो स्टोरीज एंड गेम्स बनती हैं. इन ऑर्डर टू क्रिएट अ जिग्सॉ पजल, वी नीड टू सिलेक्ट एंड ड्रैग द ब्लॉक फ्रॉम द ब्लॉक्स पैलेट एंड ड्रॉप देम इन द स्क्रिप्ट एरिया. ठीक है, ब्लॉक्स कैन बी रिमूव्ड बाय ड्रैगिंग द ब्लॉक्स को, अगर आपने रिमूव करना है तो ड्रैगिंग द ब्लॉक बैक फ्रॉम द, फिर जहाँ से आपने उठाया था वहीं से आप क्या है उसको बैक वहीं पर रख दीजिए, तो वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा. ऐसे ही स्टेज, यूजुअली बिफोर स्टार्टिंग द शूटिंग ऑफ एनी एनिमेटेड मूवी, किसी भी एनिमेटेड मूवी की अगर आपने शुरुआत करनी हो तो सेट्स आर डिज़ाइन, उसका डिज़ाइन सेट किया जाता है, सॉरी सेट को पहले डिज़ाइन किया जाता है कि भाई उसका हमने किस बनाना है. कैसा, मान लीजिए कि अगर हमें कोई विलेज बनाना है, विलेज का कोई कैरेक्टर है, तो जैसे कोई, जैसे अगर आपने ये देखा होगा जैसे ये मिनी एंड मिकी एंड मिनी का कार्टून जैसे जो आपके बुक में शो हो रहा है, तो उसके पीछे एक सेट डिज़ाइन किया है कि एक हाउस है, एक ट्री है, एक ग्राउंड है जिसके ऊपर ये दोनों खड़े हैं. ठीक है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्टेज सेट करना पड़ेगा, उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी आप क्या है इसके ऊपर ये कोडिंग सब लगा सकते हो. When the mouse is moved anywhere on the white area of the screen, ठीक है, तो उसमें वैल्यूज़ क्या होंगी, एक्स वाई कोऑर्डिनेट के हिसाब से वैल्यू होंगी. स्टेज क्या होगी, एक्स वाई मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ के हिसाब, जो आप जो हमारी पिक्चर्स हम जो यूज़ करते हैं एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के हिसाब से आप उनको मूव करेंगे. एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो वाइट एरिया है इज कॉल्ड द स्टेज. ठीक है, इसमें आप जो भी स्टोरीज गेम्स एनिमेशन क्या है वो एग्जीक्यूट करते हो, वो क्या एक्स वाई जेड ग्रिड के अकॉर्डिंग ही वो डिवाइड की गई जाती हैं, जिसमें जो भी आप पिक्चर, जो भी आप स्टेज वगैरह डिज़ाइन करते हो उसमें वो कितना चौड़ा होना चाहिए, कितना लंबा होना चाहिए, वो क्या आप एक्स वाई के अकॉर्डिंग ही सेट करते हो. ठीक है, द मिडल ऑफ द स्टेज है एक्स वाई कोऑर्डिनेट एज 0 0, मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ के अकॉर्डिंग क्या है आप स्टेज को सेट करते हो. We can change the view of the stage by clicking on these three button. आप क्या है स्टेज को व्यू भी कर सकते हो, उसको चेंज करके आप अलग अलग तरीके से उसको देख सकते हो. व्यू मोड्स हैं यहाँ पे दिए हैं और एक प्रेजेंटेशन मोड है. देखिए बच्चे, मैं आपको एक वीडियो लिंक सेंड करूँगी व्हाट्सएप पे, आप उसको वॉच कीजिएगा, उसमें पता चलेगा कि मैं उसमें दिखाई देगा कि किस तरह से स्क्रैच को इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से एक एनिमेटेड मूवीज़ डिज़ाइन की जाती हैं, किस तरह से ये जो कंपोनेंट्स हैं उसमें आपको पूरी डिटेल में बताया जाएगा. तो आप क्या है उसको विजिट करेंगे तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा. द स्टेज हैज़ टू मोर बटन, उसमें और भी बटन्स होते हैं जैसे स्टार्ट ग्रीन फ्रैक स्क्रिप्ट. इसमें ग्रीन, देखिए यहाँ पे ग्रीन और रेड कलर का बटन, अगर आप ग्रीन बटन पे क्लिक करते हैं तो जो आपने स्क्रिप्ट डिज़ाइन की है वो क्या एग्जीक्यूट होनी स्टार्ट हो जाती है, रन होनी स्टार्ट हो जाती है. अगर रेड पे करते हैं तो वो स्टॉप हो जाती है. ठीक है, देन स्प्राइट की बात आ गई. स्प्राइट का मतलब कैरेक्टर, जैसे कि क्या है आपकी बुक में एक स्टार्टिंग में ही शो हो रहा था मिकी एंड मिनी कार्टून. ठीक है ना, तो वो क्या है, कैरेक्टर है. जब भी हम कोई एनिमेटेड मूवी बनाते हैं तो कैरेक्टर पे बेस्ड ही वो मूवीज़ होती हैं. ठीक है, कि आपने किस तरह से कौन सा कैरेक्टर डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए क्या है कि आपको पहले सोचना होता है. सबसे पहले आप क्या करते हो, स्क्रिप्ट लिखते हो, देन उसका जो सेट होता है उसको फाइनलाइज करते हो, देन आप क्या करते हो, चूज़ करते हो कैरेक्टर को. ठीक है, कि आपकी मूवी में कौन सा कैरेक्टर होना चाहिए. इन स्क्रैच जो कैरेक्टर्स होते हैं दैट परफॉर्म एनिमेशंस आर कॉल्ड स्प्राइट्स. अ स्प्राइट इज़ अ स्मॉल ग्राफिक ऑब्जेक्ट होते हैं दैट मूव्स इंडिपेंडेंटली अराउंड द स्टेज प्रोड्यूसिंग एनिमेशन इफेक्ट. अ न्यू प्रोजेक्ट ऑलवेज स्टार्ट विद अ सिंगल कैट स्प्राइट. ठीक है, जो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि स्प्राइट क्या होता है, एक कैरेक्टर होता है जिसमें आप कोई एनिमेशन इफेक्ट देते हो,
ठीक है, वो स्प्राइट्स होते हैं। और जब भी आप न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो बनाना, तो वो हमेशा एक सिंगल कैट स्प्राइट के साथ ही स्टार्ट होता है। ठीक है, आई होप कि आपको आज की ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं, और जो भी मैं आपको लिंक सेंड करूँगी आप उसको ज़रूर देखिए, तभी आपको समझ आएगा कि स्क्रैच को किस तरह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से एनिमेटेड मूवीज़ क्रिएट की जाती हैं। ठीक है, और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको डाउनलोड ही करना पड़े अपने कंप्यूटर में, आप इसको ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हो। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, बी हैप्पी एंड स्टे सेफ।